जी हिंद हमारे प्यारे साथियों। साथियों बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट आ रहे थे कि ज्वाइन इंडियन आर्मी। जी हाँ दोस्तों, ज्वाइन इंडियन आर्मी का जो अकाउंट है वह लॉक हो चुकी है, और अकाउंट लॉक हो चुकी है तो उसको लॉक कैसे हम ओपन करें, मेरा एडमिट कार्ड भी डाउनलोड करना है तो हम कैसे डाउनलोड करें दोस्तों। तो फाइनली इसका सोल्यूशन मिल गई है, तो आप लोग को इसमें क्या करनी है इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों। साथ में यह भी बताएंगे आखिर आपका अकाउंट कैसे लॉक हुआ। सारे लड़के का तो लॉक हुआ नहीं, किसी किसी का हुआ है, तो क्यों आखिर आपका अकाउंट लॉक हो चुकी है इसके बारे में बताएंगे कि अगली बार से आप मिस्टेक ना करें जिस कारण आपका अकाउंट लॉक हो दोस्तों। तो इस अगर आप इस चैनल में नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि गवर्नमेंट से रिलेटेड अपडेट आप तक पहुंच सके। चलिए दोस्तों हम अब स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले आप लोगों को बताना चाहते हैं कि किस तरह आखिर आ रहा है। आखिर एक लड़का ने हमको दोस्तों पे आईडी और पासवर्ड अपना भेज चुका है दोस्तों। चलिए पहले आपको खोल के दिखाते हैं सिंपली उस वक्त उसका अकाउंट लॉक है या फिर नहीं दोस्तों। यहाँ पे जैसे जैसे ही आप लोग यहाँ पे आते होंगे, यहाँ पे जैसे आप लोग अग्निपथ का ऑप्शन मिल रहा होगा। अगर ज्वाइन इंडियन के ऑफिशियल वेबसाइट पर आने के बाद आप लोग को यहाँ पे अग्निपथ के ऑप्शन मिल रही होगी, जिसमें आप जैसे ही आप क्लिक करते होंगे तो सेम इसी तरह के इंटरफेस आप लोग को आती होगी दोस्तों। उसके बाद कुछ नहीं, आप लोग नीचे जाते हैं और नीचे आने के बाद यहाँ पे ऑनलाइन जी दोस्तों अपला ऑनलाइन पर क्लिक करते हैं। जैसे दोस्तों अपला ऑनलाइन पर आप क्लिक करते हैं तो सेम आप लोग को सेम इसी तरह की इंटरफेस देखने को मिल जाती है, जहाँ आप यहाँ पे क्या करते हैं दोस्तों, अपने यहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड फिलअप करते हैं। चलिए दोस्तों यूजर नेम और उसका पासवर्ड फिलअप करके दिखाते हैं और देखते हैं अगर उसका भी कंडीशन जिस तरह आप लोग को आ रहा है उसी तरह सेम इसका भी आ रहा है दोस्तों। जैसे यहाँ पे यूजर नेम फिलअप करना है, पासवर्ड फिल करना है, फिर यहाँ पे कैप्चा फिल करना है। चलिए दोस्तों हम इसका फिलअप करते हैं और दिखाते हैं आप लोग को सामने लॉगिन करके कि सेम इसी तरह की इसका भी इंटरफेस आ रही है दोस्तों। तो हाँ दोस्तों देख सकते हैं कि सारा चीज़ हमने फिलअप कर लिया। चलिए दोस्तों आपका सामने है, यहाँ पे हम लॉगिन पर क्लिक करते हैं और लॉगिन करके आप लोग को दिखाते हैं आखिर आखिर किस तरह इसका ये आ रही है दोस्तों। चलिए आपका सामने है, यहाँ पे क्लिक करके लॉगिन पर क्लिक करते हैं। देख सकते हो यहाँ पे लॉगिन पर क्लिक कर रहे हैं। तो हाँ दोस्तों जैसे ही आप लॉगिन के बटन पर क्लिक करेंगे तो आप लोग को सेम ही इसी तरह करके इंटरफेस देखने के लिए मिल जाएगा दोस्तों। देख सकते हो दोस्तों इसका हम जैसे ही लॉगिन किए दोस्तों तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है आया कि आवर लॉगिन अकाउंट इज लॉक्ड, प्लीज चेक आवर रीएक्टिवेशन लिंक आवर रजिस्टर ईमेल आईडी। जी हाँ दोस्तों रीएक्टिवेशन चेक लिंक और रजिस्टर, अगर आप लोग को इस तरह के लिए दोस्तों आप लोग को मिल जा रही है देखने के लिए तभी अपना दोस्तों अकाउंट अनलॉक कर सकते हैं, अन्यथा नहीं दोस्तों। दोस्तों एक लड़का को और हम चेक किए जिसमें उस तरह के किस तरह आया दिखाते हैं दोस्तों, आखिर उकर उसका किस तरह आया हुआ है दिखा देते हैं उसका। एक देख सकते हैं कि एक स्टूडेंट का और जो चेक किए हैं हम जिसमें उसका दोस्तों इस तरह लिखा हुआ था। देख सकते हैं इसका भी सेम ही लिखा हुआ है लेकिन थोड़ा डिफरेंट है। क्या लिखा हुआ है कि आवर लॉग इन अकाउंट इज लॉक्ड, काइंडली कॉन्टेक्ट सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। जी हाँ दोस्तों अगर आप लोग इस तरह करके आ रहे हैं दोस्तों तो आप अपना अकाउंट अनलॉक नहीं कर पाएंगे। और दोस्तों जो हम पहले दिखाएं अगर उस तरह आप लोग को आ रहे हैं तो अपना अकाउंट अनलॉक कर लेंगे दोस्तों। दोस्तों उससे पहले आप लोग को अनलॉक करने के पहले बताने से पहले आप लोगों को बताना चाहते हैं कि आखिर आप लोग का अकाउंट क्यों लॉक हो जाती है दोस्तों, कि अगला बार से आपका अकाउंट लॉक ना हो। चलिए दोस्तों बताते हैं कि आप लोग का अकाउंट क्यों लॉक हो जाती है दोस्तों। सबसे पहले मेरा भी इसी तरह एक अकाउंट लॉक हो चुकी थी जिसका हम दोस्तों स्क्रीनशॉट मार के रखे हैं क्यों लॉक आउट हो गई थी दोस्तों। चलिए हम दिखाते हैं आप लोग को दोस्तों। तो हाँ दोस्तों देख सकते हैं कि उस समय हमने क्या किए थे, स्क्रीन शॉट मार के रख चुके थे दोस्तों। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि लॉगिन और पासवर्ड इन वायलेट, जैसे www.joinindianarmy.nic इन सेज पर दोस्तों हमने जब टाइप कर रहे थे जैसे इन वायलेट आवर लॉगिन अकाउंट विल बी लॉग्ड आफ्टर टू अनसक्सेसफुल अटैम्प्ट टू अटैम्प्ट लेफ्ट। जी दोस्तों आपका क्या हो सकती है, ज्वाइन इंडियन का जो ऑफिशियल वेबसाइट है दोस्तों आपका अकाउंट है वह लॉक हो सकती है अगर वह आप चार बार से ज़्यादा कोशिश करते हैं। जी दोस्तों चार बार से ज़्यादा अगर अपना पासवर्ड गलत फिल करते हैं तो आपका अकाउंट लॉक हो जाएगा, यहाँ पे साफ साफ लिख दिया गया दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपका अकाउंट का दोस्तों पासवर्ड नहीं मालूम है तो आप अगर इस तरह की गलती ना करें, क्योंकि दोस्तों अगर आप चार बार से ज़्यादा अपना अकाउंट पासवर्ड गलत डालते हैं तो आपका ज्वाइन इंडियन नेम भी है दोस्तों लॉक कर दिया जाता है। साफ साफ यहाँ पर लिखा हुआ है दोस्तों कि आपका यहाँ पर लॉक हो जाएगा दोस्तों। देख सकते हैं यहाँ पे साफ साफ फिर से दिखा देते पढ़ के दोस्तों आप लोग को, साफ साफ लिखा हुआ है कि आवर लॉगिन अकाउंट जिसमें लॉगिन आईडी पासवर्ड इन वायलेट वायलेट बता दे रहा है कि आवर लॉगिन अकाउंट विज बी लॉक कर दिया जाएगा आफ्टर टू अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट टू अटेम्प्ट लेफ्ट। जी दोस्तों टू सक्सेसफुल क्या किए, दो टो अटेम्प्ट कर चुके हैं और दो टो बचा हुआ, अगर ये भी दो अटेम्प्ट अगर आप कर देते हैं तो क्या होगा आपका अकाउंट लॉगिन जो ज्वाइन इंडियन का जो अकाउंट हो आपका लॉक हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों हम यहाँ बता चुके हैं कि किस तरह किस कारण आपका दोस्तों अकाउंट लॉक हो चुकी है दोस्तों। अब चलिए बताते हैं कि आखिर आप लोग को अकाउंट कैसी खोलनी है, तो चलिए हम बताते हैं। तो हाँ दोस्तों अगर आप लोग को सेम इस तरह करके इंटरफेस आ रही होगी, आवर लॉगिन अकाउंट इज लॉक्ड प्लीज चेक रीएक्टिवेशन लिंक आवर रजिस्टर ईमेल आईडी, तो दोस्तों अपना अकाउंट जो है अनलॉक कर पाएंगे। और अगर अन्यथा अगर दोस्तों आप लोगों को कॉन्टैक्ट एडमिनिस्टर का ऑप्शन आ रही है तो आप दोस्तों अकाउंट को अनलॉक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दोस्तों अबर जो है चेंजिंग कर चुकी है दोस्तों। आप लोग को पता चलता है कि यहाँ पर जैसे कि आवर लॉगिन अकाउंट लॉक्ड प्लीज चेक आवर रीएक्टिवेशन लिंक इन आवर रजिस्टर ईमेल आईडी, तो दोस्तों आप जिस ईमेल आईडी पर डाले थे दोस्तों आपका ईमेल आईडी पर एक लिंक पहुंच चुकी है दोस्तों। जैसे दोस्तों
आप वहाँ पे जाएंगे तो आपको लिंक पर क्लिक करना है, तो आप लोग को दोस्तों फिर से मांगा जाएगा दोस्तों वहाँ पे अपना नाम पर फिर पिताजी का नाम आप लोग को उसको फिर करना है दोस्तों, सेम एज आपका पासवर्ड फिर जनरेट कर दिया जाएगा दोस्तों। इस तरह आप अपना दोस्तों ज्वाइन इंडियन का जो अकाउंट है दोस्तों उसको अनलॉक कर पाएंगे दोस्तों। और अगर आप लोग को दिखा देते दोस्तों, अगर आप लोग को इस तरह के वहाँ दिख रही होगी दोस्तों, जैसे खोल रहे होंगे आवर लॉगिन अकाउंट इज लॉक काइंडली कॉन्टेक्ट सिस्टम एडमिनिस्टर, तो दोस्तों आप इतना अकाउंट का जो है अनलॉक नहीं कर पाएंगे। आप लोग को सीधा बता दे रहे हैं, अगर आप लोग को इस तरह के इंटरफेस देखने के लिए मिल रही है दोस्तों, आप अकाउंट को अनलॉक नहीं कर पाएंगे। अगर आप लोग को इस तरह की इंटरफेस देखने के लिए मिल जा रही है तो आप अपने अकाउंट को अनलॉक कर पाएंगे दोस्तों। अगर सारी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे दोस्तों, ताकि गवर्नमेंट से रिलेटेड सारी अपडेट आप तक पहुंच सके। जय हिंद दोस्तों, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।